अस्सलाम वालेकुम डियर वंस, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर वंस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स की अगर बात करें तो उसके अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.6 की बात कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेशंस के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उनका लिंक भी मैंने दिया हुआ नीचे, और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर उसका टाइटल आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर के अंदर मैं इसके बाद वाले जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक देखेंगे। इसके अंदर भी हमने सिंपल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, कहीं पे हमने क्वेश्चन रूल लगाना, कहीं पे हमने पावर रूल लगाना, कहीं पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर ये प्रोडक्ट रूल का प्रूफ आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन रूल क्या होता है, आप लोग देखना चाहते हैं कि पावर रूल क्या होता है, आप लोग देखना चाहते हैं कि चेन रूल क्या होता है, आप लोग देखना चाहते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ये सारे के सारे रूल्स मैंने डिटेल के साथ अपलोड किए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं वो लेक्चर्स, उसके लिंक भी मैंने जो है वो दिए हुए हैं, और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको लाजमी देखें आप लोग। तो आज के लेक्चर में इसी जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 30 तक बात करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को प्रेस किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इस तरह की वीडियो लेकर आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपना वक्त जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलें जी, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। कहते हैं y = x² sin की पावर 4x + x cos की पावर -2x। इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने निकालना, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल, आपको समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे भी टू फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये x² और ये sin की पावर 4x है। ये सिंपल फंक्शन, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे x है और ये cos की पावर -2, ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग करने हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो एक्स यूज हो रहा है, इसके लिए इसलिए हम इसका डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से ही निकालेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जी डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, फिर यहाँ पे लगा देंगे, आप उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो वैसे के वैसे आता है, फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड टर्म का, यानी कि साइन की पावर 4x का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग प्लस लिखते हैं, फिर सेकंड फंक्शन आपके पास वैसे का वैसे आ जाता है, फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं इसके पहले फंक्शन का। ये था जी आपके पास प्रोडक्ट रूल, इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख लें ताकि आप लोगों को हाईलाइट हो जाए कि यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहां पे आप लोग लगा देंगे, तो यहां पे देख लेते हैं जी, क्योंकि आगे जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, यहां पे देख लेते हैं प्लस। अब यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास x वैसे का वैसे आएगा, उसके बाद आप लोग डेरिवेटिव लेंगे cos की पावर -2x का, फिर प्लस लिखेंगे, फिर cos की पावर -2x वैसे का वैसे आएगा, फिर आप लोग लेंगे डेरिवेटिव x का। तो ये कंप्लीट मैंने यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा आपके पास dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू x स्क्वायर, आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। साइन की पावर 4x है, यहां पे पावर रूल, सबसे पहले पावर रूल लगेगा, तो पावर इसकी 4 पीछे आ जाएगी, तो पावर 4 पीछे आ जाएगी, तो साइन की पावर में एक माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 3x। अब इस फंक्शन का दोबारा से हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी कॉस एक्स, ये चीज हमारे पास बन गई। उसके बाद आप लोग लिखेंगे प्लस साइन की पावर 4x और x की x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है आपके पास 2x, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होता है। तो एक तो ये चीज आपके पास बन गई, उसके बाद नीचे यहाँ पे आपके पास कि आपके पास प्लस है तो प्लस लिखें, x आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा, cos की पावर -2 है तो -2 पीछे आ जाएगी, यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो -2 पीछे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा cos की पावर -2 में एक और माइनस किया तो -3 बन जाएगा, -3x बन जाएगा। अब cos x का मजीद डेरिवेटिव लेना, तो cos x का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी माइनस साइन एक्स प्लस cos की पावर -2x वैसे के वैसे आ गया, और x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है। ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें जी dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास बन जाएगा जी साइन की पावर 3x और साथ आपके cos x आ जाएगा प्लस। अब इस 2x को भी आप लोग पहले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो ये बनेगा जी आपके पास 2x साइन की पावर 4x आ जाएगा। अब देखें जी यहाँ पे आपके पास ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये सारा का सारा आपके पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिखें, ये आपके पास को लिख सकते हैं 2x cos की पावर -3x sin x, क्योंकि ये माइनस ये माइनस 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 प्लस 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 होता है, ठीक है, ये माइनस को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, तो ये साइन एक्स आ चुका। उसके बाद आपके पास आया जी प्लस कॉस की पावर -2x।
अब देखें जी यहाँ पे मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 4x स्क्वायर साइन की पावर 3x कॉस x प्लस 2x साइन की पावर 4x प्लस 2x कॉस की पावर माइनस 3x साइन x प्लस कॉस की पावर माइनस 2x। आई थिंक इसके बाद ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही जो है ना वो यहाँ पे आप इसको कवर कर सकते हैं, यही इसका फाइनल आंसर है। तो वेरी सिंपल था, वेरी इजी था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं जी। देखें जी क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे होते हैं, हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना होता है, उसका डेरिवेटिव लेना होता है, तो इसको भी हम लोग वैसे के वैसे ही करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे भी आप लोग दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी आप लोग क्या करेंगे दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो वन ओवर एक्स पहले वैसे के वैसे आ जाएगा, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे साइन की पावर माइनस फाइव एक्स का, फिर प्लस लिखेंगे, फिर साइन की पावर सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे आएगा साइन की पावर माइनस फाइव एक्स, और फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म का वन ओवर एक्स का। इसको आप लोग ब्रैकेट में कर लें ताकि आपको जो है ना वो दोनों चीज़ें वाजे हो जाएंगी। ये इसका मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, अब यहाँ पे भी आप लोग प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये माइनस है तो माइनस लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लें आपको लोग एक्स ओवर थ्री पहले लिख लें, फिर आप लोग डेरिवेटिव ले लें कॉस की पावर थ्री एक्स का, फिर आप लोग प्लस लिखें, फिर आप लोग लिखें कॉस की पावर थ्री एक्स, फिर डेरिवेटिव ले लें आप लोग एक्स ओवर थ्री का। तो ब्रैकेट को कर दें यहाँ पे क्लोज। उसके बाद देखें यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ गया जी आपके पास वन ओवर एक्स। डेरिवेटिव लिया साइन की पावर माइनस फाइव का तो माइनस फाइव पीछे आ गया तो ये बना जी साइन की पावर माइनस सिक्स एक्स, और साइन एक्स का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आता जी कॉस एक्स। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे मैंने पावर रूल लगाया, माइनस फाइव पीछे आया, माइनस फाइव में एक और माइनस किया तो माइनस सिक्स बन जाएगा कॉस एक्स, उसके बाद प्लस साइन की पावर माइनस फाइव एक्स वैसे के वैसे आ जाएगा, और वन ओवर एक्स का आपके पास जो है ना वो डेरिवेटिव क्या होगा, वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर माइनस वन, तो वहां पर पावर रूल लगाएंगे तो ये बनेगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स ओवर थ्री कॉस की पावर थ्री एक्स में से थ्री पीछे आ गया तो ये बन गया जी कॉस की पावर टू एक्स, कॉस का फिर डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस की पावर थ्री एक्स। तो ये क्योंकि एक्स ओवर थ्री है तो एक्स का डेरिवेटिव वन होता तो ये बच गया वन ओवर थ्री, तो यहाँ पे लिख लें जी आप लोग वन ओवर थ्री, ब्रैकेट क्लोज कर दें। देखें जी डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस फाइव को से मल्टीप्लाई करवाए माइनस फाइव ओवर एक्स, और साथ आपके पास आ जाएगा जी साइन की पावर माइनस सिक्स एक्स कॉस एक्स, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन की पावर माइनस फाइव एक्स, या फिर इसको वन ओवर एक्स को पहले लिख लें माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर और साइन की पावर माइनस फाइव एक्स। ठीक है जी, माइनस वन ओवर एक्स को मैंने पहले लिख लिया, साइन की पावर माइनस फाइव एक्स यहाँ पे ये चीज आ चुका। अब देखें बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे, तो ये थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा जी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ये माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो चुका तो ये आ गया जी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स आ गया, और ये माइनस है ये प्लस है प्लस माइनस माइनस, ये लिखें जी वन ओवर थ्री कॉस की पावर थ्री एक्स। और आई थिंक इसमें से कोई चीज़ कॉमन वगैरह तो नहीं आती, नहीं आती तो फिर आप लोगों के पास यही इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, कहते हैं जी वाई विच इज इक्वल टू वन ओवर एटीन थ्री एक्स माइनस टू की पावर सिक्स प्लस फोर माइनस वन ओवर टू एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन है। तो सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग क्या करेंगे जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास क्या आएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये तो वन ओवर एटीन है आपके पास कॉन्स्टेंट है ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू की पावर सिक्स है तो पावर पीछे आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पीछे आ जाएगी, थ्री एक्स माइनस टू की पावर में एक माइनस कर दी तो फाइव आ जाएगा। अब इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे थ्री एक्स माइनस टू का तो इसका थ्री एक्स का डेरिवेटिव आपके पास थ्री होता है और टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो वो जीरो ना लिखें, उसके बाद प्लस लिखेंगे आप लोग, ये यहाँ पे लेंगे तो ये माइनस वन आपके पास क्या आ जाएगा जो माइनस वन पीछे आ जाएगा तो ये क्या बनेगा फोर माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर टू, इसकी पावर में एक और माइनस करेंगे तो माइनस टू बन जाएगा। अब इसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा फोर का तो जीरो हो जाएगा तो ये आपके पास क्या बनेगा जी वन ओवर टू माइनस वन ओवर टू तो एक साइड पे आ जाएगा और वन ओवर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे दोबारा लेंगे जी डी ओवर डी एक्स फोर माइनस वन ओवर टू एक्स स्क्वायर
ताकि आपको जो है ना उसकी समझ आ जाए। डायरेक्ट करूंगा मे भी जो है ना वो आप लोगों को समझ ना आए, तो हम इसको मजीद थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू छः, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये देखें जी, ये सिक्स है, सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो 18 आएगा, तो ये 18 जो है ना 18 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x माइनस 2 की पावर 5। ये आपके पास है जी माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये है जी आपके पास 4 माइनस 1 ओवर 2x की पावर 2, इसकी पावर में माइनस 2 आएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आएगा, इसको माइनस 1 ओवर 2 को पहले लिख लें तो x की पावर को ऊपर ले जाएं, x की पावर माइनस 2 बन जाएगा इसका। अब आप लोग यहाँ पे डेरिवेटिव ले लें। ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 को क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होना है, तो माइनस 1 ओवर 2 को पहले लिख लिया, x की पावर ऊपर ले जाएगी, उसको x की पावर माइनस 2 कर दिया, या यहाँ पे सारा ही लिख लें, इस तरह कर लें जी, डी वाई ओवर डी एक्स 4 माइनस 1 ओवर 2 एक्स की पावर माइनस 2, इस तरह कर लें, इस तरह ज़्यादा बेहतर है, उस तरह फिर समझ नहीं आएगी। मैंने वैसे किया 4 माइनस 1 ओवर 2 को पहले लिख लिया, एक्स की पावर ऊपर लेके माइनस 2 कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 की पावर में यहाँ पे 5 आ जाएगा माइनस इंटू, ये आपके पास क्या बनेगा, अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ तो वो भी बेहतर, ना भी लेके जाए तो वैसे भी ठीक है, 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 2x की पावर 2, इसके ऊपर माइनस 2 है तो इसके नीचे जाकर इसके ऊपर 2 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे अब आप लोग, क्या बनेगा आपके पास, 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो माइनस 1 ओवर 2 तो कांस्टेंट वैसे का वैसे आएगा, माइनस 2 को आ गया पीछे एक्स की पावर में, एक और माइनस किया तो एक्स की पावर माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 3x माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 2x की पावर 2 होल की पावर 2, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका, तो ये आ गया जी आपके पास x की पावर माइनस 3, इसको लिख लें बटे में 1 ओवर x की पावर 3, इसको मैंने कर दिया जी 1 ओवर x की पावर 3। अब ये आंसर भी यहाँ पे इसका ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को कहते हैं जी बुक पे आंसर कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो बुक पे देख लेते हैं वहाँ पे क्या दिया हुआ है, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने किया है, 1 ओवर 3 को पास उन्होंने पहले लिख दिया हुआ है, तो देखें जी आपके पास क्या बना, 3x माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 3, और साथ ये लिख दिए, लिखते हैं जी 4 माइनस 1 ओवर 2x की पावर 2 होल की पावर 2, यही है जी आप लोगों के पास फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल इसी तरह का, इसको कोई डिफरेंस नहीं, खुद करें। अगर आपको समझ नहीं आती, आप लोग अगर सॉल्यूशन को बाय करना चाहते हैं, थॉमस कैलकुलस के सॉल्यूशन को है, डिटेल सॉल्यूशन बाय करना चाहते हैं, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दिया, व्हाट्सएप पर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, कहते हैं जी वाई इक्वल टू 4x प्लस 3 की पावर 4x प्लस 1 की पावर माइनस 3 है, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन हम करना शुरू कर देना तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, और लेंथी वीडियो को अपलोड करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो ना वो, क्योंकि आप लोग खुद भी आपको ट्राई करनी चाहिए, खुद ट्राई करते हैं तो फिर ही आपको सही प्रैक्टिस होती है और समझ भी आती है, तो अगर आपको नहीं भी समझ आती है आप लोग कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखें 4x प्लस 3 की पावर 4x प्लस 1 की पावर माइनस 3 है। अब यहाँ पे दो मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं, पहला मेथड आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे कोशेंट रूल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ कोशेंट रूल, यानी कि ये उसके इसकी पावर में माइनस 3, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3 की पावर 4, और इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 की पावर 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन रूल लगा देंगे, तो क्वेश्चन रूल यहाँ पे कैसे लगाते हैं, डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स। तो क्वेश्चन रूल आपके पास क्या होता है, नीचे वाली टर्म का स्केयर लेते हैं, इनके लेट्स सपोज कीजिए आपके पास क्या है जी वी है, तो एक्स प्लस 1 की पावर 3 है, तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे स्केयर लेते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन रूल को देखना चाहते हैं तो मैंने फुल उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने नीचे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो नीचे वाली का स्केयर, उसके बाद नीचे वाली यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी x प्लस 1 की पावर 3, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाली का 4x प्लस 3 की पावर 4 का, फिर माइनस लिखते हैं, फिर ऊपर वाली वैसे के वैसे लिखते हैं 4x प्लस 3 की पावर 4, फिर नीचे वाली का डेरिवेटिव लेते हैं x प्लस 1 की पावर 3। ये होता है आप लोगों के पास क्वेश्चन रूल। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये क्या बनेगा जी x प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका
पावर लगेगा, फोर पीछे आ जाएगा, तो ये बनेगा फोर एक्स प्लस थ्री की पावर में थ्री, एक माइनस हो जाएगा। अब इसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव फोर एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव यहाँ पे फोर होगा, उसके बाद माइनस फोर एक्स प्लस थ्री की पावर फोर, वैसे के वैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो थ्री पीछे आ जाएगा, एक्स प्लस वन की पावर में टू बनेगा, इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे एक्स का तो वन होगा, वन का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो नीचे आपके पास यहाँ पे इसको वैसे का वैसे लिख सकते हैं आप लोग, वन प्लस एक्स की पावर थ्री होल की पावर यहाँ पे टू है। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखिए ये फोर है ये भी फोर है, तो फोर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन बन जाएगा, सिक्सटीन इंटू एक्स प्लस वन की पावर थ्री, फोर एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री, माइनस थ्री को पहले लिख लें, थ्री इंटू फोर एक्स प्लस थ्री की पावर फोर इंटू एक्स प्लस वन की पावर टू, तो नीचे आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगी एक्स प्लस वन की पावर थ्री होल की पावर जी आपके पास यहाँ पे टू है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक्स प्लस वन मौजूद है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वन मौजूद है, यहाँ पे भी फोर एक्स प्लस थ्री मौजूद है, यहाँ पे भी फोर एक्स प्लस थ्री मौजूद है, आप लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो क्योंकि एक्स प्लस वन की पावर यहाँ पे टू है तो ले लें जी एक्स प्लस वन की पावर टू को कॉमन ले लें, और फोर एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री और फोर एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री को यहां से कॉमन ले लें। तो ये अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा, 16 बच गया, 16 इंटू, क्योंकि एक्स प्लस वन की पावर टू बाहर है तो एक एक्स प्लस वन यहां पे बच जाएगा, एक एक्स प्लस वन यहां पे बच गया, और उसके बाद आपके पास यहां पे ये सारा का सारा बाहर है, उसके बाद माइनस थ्री लिखेंगे आप लोग, एक्स प्लस वन की पावर स्केयर ऑलरेडी बाहर है तो ये थ्री बाहर है तो एक यहाँ पे ये बच गया, फोर एक्स प्लस थ्री यहाँ पे बच गया, ब्रैकेट क्लोज कर दें। नीचे यहाँ पे देखें, हम लोगों ने जाना रूल पढ़ा हुआ है, अगर एक्स की पावर एम उसकी पावर एन हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये बन जाता है एक्स की पावर एम एन, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं, तीन को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन की पावर तीन, दो बार छह होता है, यहाँ पे छह लिख सकते हैं। अब क्यों हमने यहाँ पे किया है, x प्लस वन की पावर टू, x प्लस वन की पावर सिक्स है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वन की पावर फोर बच जाएगा, मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी dy ओवर dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कर दें जी फोर एक्स प्लस थ्री की पावर में थ्री आ जाएगा, यहाँ पे इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बचेगा सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस नाइन, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा, ये इस कैंसिल हुआ तो ये बचा x प्लस वन की पावर फोर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखें जी आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है, तो नेक्स्ट देखें जी ये बनेगा जी आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री, तो आपके पास वैसे का वैसे आएगा। यहां पर देखें आप लोग सिक्सटीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स, तो ये बनेगा जी आपके पास 4x, 4x और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 7, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 1 की पावर 4। यही है जी आप लोगों के पास फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 भी बिल्कुल ऐसे कैसे, उसी के अंदर आप लोगों ने इसी तरह से क्वेश्चन रूल ही लगाना है, अगर समझ नहीं आती आप लोग पूछ सकते हैं, इसके अलावा भी आपको क्यूरी होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखा करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।